स्पष्ट आदेश दिए कि कर्नाटक की विधानसभा में अल्पमत वाली भाजपा का पर्दाफाश करने हेतु कल 4 बजे कॉन्फिडेंस वोट बहुमत साबित करने के लिए लिया जाएगा। जैसा मेरे आदरणीय साथी और हमारे वकील अभिषेक सिंघवी साहब ने कहा कुछ देर पहले, दूध का दूध पानी का पानी, बहुमत की सच्चाई और भाजपा की जबरन अल्पमत से बनाई गई सरकार की झूठ जग जाहिर हो जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक प्रथा के अनुरूप ये आदेश भी दिया कि एक प्रोटर्म स्पीकर बाकायदा विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद कॉन्फिडेंस वोट 4 बजे होगा। संविधान की सभी मान्यताएं, संविधान की सभी प्रथाएं और यहां तक कि 2014 से अगर आप लोकसभा के सचिवालय की वेबसाइट पर भी देखें तो वहां भी ये स्पष्ट तौर से अंकित है कि जो सबसे वरिष्ठतम विधायक होंगे वही प्रोटर्म स्पीकर बनाए जाते हैं। ना इसमें कभी कोई शक रहा, ना इसके अंदर कोई शुबा रहा। खास तौर से मौजूदा हालात में जहां भारतीय जनता पार्टी प्रजातंत्र को अगवा कर और महामहिम राज्यपाल जो प्रजातंत्र का एनकाउंटर कर जबरन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, वहां इस प्रथा की अनुपालना और ज्यादा अनिवार्य है। सबसे वरिष्ठ विधायक कर्नाटक की मौजूदा विधानसभा के अंदर श्री आरवी देशपांडे हैं, जो 8वीं बार विधानसभा में विधायक चुनकर आए हैं। श्री आरवी देशपांडे चाहे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनकर आए हों, पर उनकी प्रतिष्ठा और उनकी तटस्थता, उन दोनों की सौगंध विपक्ष के साथी भी हमेशा लेते रहे। राज्यपाल वाजूभाई वाला ने तीसरी बार फिर संविधान का एनकाउंटर आज कर डाला, जब उन्होंने तीसरी बार चुनकर आए विधायक केजी बोपैया जी को प्रोटर्म स्पीकर नियुक्त कर दिया। ये वही श्री केजी बोपैया जी हैं जो पहले से ही डेंटेड टेंटेड हैं। ये वो श्री केजी बोपैया जी हैं जिन्होंने बीएस येदुरप्पा जी की पिछली सरकार को बचाने के लिए संविधान और प्रजातंत्र दोनों की धज्जियां उड़ा डाली थी। ये वही श्री केजी बोपैया जी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों को जिन्होंने येदुरप्पा जी की मुख्यमंत्री के तौर पर भ्रष्टाचार की पोल खोली थी, उनको मात्र 72 घंटे में नो कॉन्फिडेंस वोट से डिस्क्वालिफाई करने के लिए उनकी सदस्यता रद्द कर डाली थी। इनके बारे में, ये वही केजी बोपैया जी हैं जिनके बारे में हम ये नहीं कह रहे, इस देश की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने 172 पेज का निर्णय लिखकर यह कहा कि किस प्रकार से ये केजी बोपैया वो व्यक्ति हैं जिनका ना संविधान में विश्वास है, ना प्रजातंत्र में विश्वास है, ना संसदीय प्रणाली में विश्वास है, और जिनको स्टिंगिंग स्ट्रिक्चर देकर उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। इनके बारे में 3 या 4 बातें बड़ी रुचिकर हैं। 6 अक्टूबर 2010 को 13 बीजेपी विधायकों ने, जब येदुरप्पा जी पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे,
तो उन्होंने उनकी सरकार के खिलाफ पत्र लिखकर ये कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हैं पर येदुरप्पा जी के भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ हैं और इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री येदुरप्पा में विश्वास नहीं रहा। 12 अक्टूबर 2010 को यानी 5 दिन के बाद गवर्नर साहब ने येदुरप्पा जी को अपना विश्वास सदन के पटल पर पारित करने का आदेश दिया। येदुरप्पा जी को ये लगा कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म के आधार पर अब उनको खुद के विधायक हटाने पर लगे, तो उन्होंने उसी दिन आनन फानन में बगैर कानून लिखे, बगैर तथ्य लिखे, बगैर शपथ पत्र के उन्होंने और बोपैया जी ने एक दरख्वास्त बनाई और वो बोपैया जी को दे दी। बगैर किसी नोटिस जारी किए 3 दिन के अंदर बोपैया जी ने भारतीय जनता पार्टी के उन सारे विधायकों की सदस्यता खारिज कर दी। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने, देश के उच्चतम न्यायालय ने, इसी प्रोटर्म स्पीकर के खिलाफ किस खूबसूरत जबान में तारीफें लिखी हैं मैं उसकी कुछ पंक्तियों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय में जो बालचंद्र झारखियोली बनाम बीएस येदुरप्पा है और जिस निर्णय की तारीख 13 मई 2011 है उसके पैरा नंबर 69 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आई कोट, डिड द स्पीकर दैट मीन्स श्री बोपैया एक्ट इन हॉट हेस्ट इन डिस्पोजिंग ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय श्री बी एस येदुरप्पा इंट्रोड्यूसिंग ए विफ ऑफ बायस एज टू द प्रोसीजर अडॉप्टेड। पैरा 70 में सुप्रीम कोर्ट ने वो तथ्य लिखे हैं, मैं आपके लिए पढ़कर बताना चाहूंगा। द फैक्ट्स ऑफ द केस रिवील दैट एपेलेंट्स अलोंग विद एमपी रेणुकाचार्य एंड नरसिम्हा नायक रोट आइडेंटिकल लेटर्स टू द गवर्नर ऑन 6 अक्टूबर 2010 इंडिकेटिंग दैट एज एमएलएज ऑफ बीजेपी दे हैड बिकम डिसइल्यूजन्ड विद द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हेडेड बाय बीएस येदुरप्पा। अकॉर्डिंग टू देम देयर वाज वाइड स्प्रेड करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, abuse of power and misuse of government machinery in the functioning of the government headed by Chief Minister Shri B.S. Yedurappa. ये specific उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था। अब Supreme Court ने जो इसका निर्णय किया है वो पैरा 70 में जो उन्होंने remarks दिए मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। उन्होंने कहा, in our view, not only did the Speaker's action, Mr. Bopaiah's action, amount to denial of the principle of natural justice to the appellants, but it also reveals a partisan trait in the speaker's approach in disposing of the application filed by Shri B.S. Yedurappa. This conduct of on the part of the speaker is also indicative of the hot haste with which speaker disposed of the disqualification petition as complained of by the appellants. And then Supreme Court passed further stringing strictures, and that they said in para 86, I'm just reading a few more lines for you. The procedure adopted by the speaker, that is Shri Bopaiah, seems to indicate that he was trying to meet the time schedule set by the governor for the trial of strength in the assembly, somewhat similar circumstances, and to ensure that the appellants and the other independent MLAs stood disqualified prior to the date on which the floor test was to be held. Almost identical circumstances along again. Having concluded the hearing on 10th October 2010 by 5 p.m., the speaker, that is Mr. Bopaiah, passed a detailed order in which various judgments, etc., were cited, holding that the appellants had voluntarily given up the membership of BJP by their acts and conduct. The vote of confidence took place on 11th October, in which the disqualified members could not participate. Unless it was to ensure
that the trust vote did not go against the chief minister, there was no conceivable reason for the speaker to have taken up the disqualification application in such a hurry. And finally, my friends, the Supreme Court said, having considered all the different aspects and having examined the questions, we are constrained to hold that the proceedings conducted by the speaker, that is Mr. Bopaiah, on the disqualification application filed by B.S. Yedurappa, do not meet the twin test of natural justice and fair play. The speaker, in our view, proceeded in the matter as if he was required to meet the deadline set by the governor, irrespective of whether in the process he was ignoring the constitutional norms set in the 10th schedule to the constitution and the disqualification rules, and in contravention of the basic principles that go hand in hand with the concept of a fair hearing. And this order was quashed. What did the Supreme Court say? It said three things about Mr. Bopaiah. Number one, that Mr. Bopaiah, in league with Shri Yedurappa, was trying to defeat a floor test so that Shri Yedurappa remained chief minister. Second, that Shri Bopaiah flagrantly violated the constitution. That number three, that Shri Bopaiah flagrantly violated the law and the rules and every settled principles of natural justice and fair play, only and only to ensure that Yedurappa somehow remained in power and defeated the floor test. We put it to you and to the countrymen through you, the same Bopaiah has now been appointed as pro tem speaker, and the same Yedurappa is again seeking the floor test. What does it mean? And he violates every single constitutional norm for being the senior most person. The truth remains, my friends, that appointment of Shri Bopaiah as a pro-term speaker violates every settled constitutional tradition and every settled parliamentary practice. Governor Vajubhai Wala, by appointing Mr. Bopaiah, who's dented and tainted, who has been indicted by the Supreme Court of India in similar circumstances for violating the constitution, as also for violating the law and the rules, who has been circumscribed, who has been indicted, against whom serious strictures have been passed, and whose orders have been quashed, for permitting B.S. Yedurappa to gain a majority in a house where he had minority so that he can pass over the floor test, has again been appointed as pro tem speaker with the sole intent of manufacturing a majority out of minority. This is a third encounter of the constitution committed by Vajubhai Wala at the instance of Prime Minister Narendra Modi and BJP President Shri Amit Shah. We know that for Vajubhai Wala, wazood of BJP is far bigger than the wazood of the constitution. But he must understand that he cannot murder democracy in broad daylight, nor he can trample upon the constitution and throw it in the dustbin of history. For the millions and millions of Indians, the 132 crore Indians, gave ourselves this constitution, and this is the most sacrosanct book of life for every single Indian. BJP and its president, Prime Minister and the governor, and the trio of Modi, Shah and Wala, in order to help the Yedi Reddy gang, will not be permitted to subjugate democracy and trample upon constitution. And I think appointment of a three-time MLA as a pro-term speaker, discarding the senior-most legislator tradition of being appointed as pro-term speaker, which is Shri R.V. Deshpande, itself reflects that BJP does not have the majority,
that they have lost pursuant to, they have conceded defeat pursuant to the verdict today of the Supreme Court, and they are just trying to manufacture majority by fraud and deception on the Constitution and on the people of this country. But this will not be permitted for the legislators of JDS and the Congress Party, and people of Karnataka are determined to foil and defeat these evil and nefarious designs of Vajubhai Wala, Shri Narendra Modi, Shri Amit Shah, Shri B.S. Yedurappa and the Reddy brothers. Any questions? We are... So we'll have to have one by one, sir. Let's start there, sir. If you will permit me, I will take everybody's question. Let me start from right at the back. आदरणीय साथी, मैंने सारी बात हिंदी में कही. अगर आप लेट आए हैं तो मुझे नहीं मालूम. बात बड़ी सीधी है. के जी बोपैया साहब, जिनको प्रोटर्म स्पीकर नियुक्त किया गया है, वो सबसे वरिष्ठ विधायक नहीं है. संविधान और संसदीय प्रक्रिया की परिपाटी में ये अनिवार्य है, और अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी इसी तरफ आदेश और अंदेशा देता है, जो 2016 और 17 में आया है, कि सबसे वरिष्ठ विधायक को ही आप प्रोटर्म स्पीकर नियुक्त करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आज का जो निर्णय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की नैतिक, संवैधानिक और कानूनी हार हुई है. उनके लाख हाथ पांव मारने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का सम्मान करते हुए कल फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर दिया है. बोपैया साहब की नियुक्ति संविधान और संसदीय प्रणाली की परिपाटी के विरुद्ध है. आरवी देशपांडे जी, जो आठवीं बार विधायक चुनकर आए हैं, उनको नियुक्त किया जाना चाहिए था. गवर्नर वाजूभाई वाला ने संविधान का तीसरा एनकाउंटर किया है बोपैया साहब की नियुक्ति करके, खास तौर से तब जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप उनको, वो ऑलरेडी डेंटेड पेंटेड हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्चर्स हैं. पहले भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे माइनॉरिटी को मेजॉरिटी मैन्युफैक्चर करने के. योर क्वेश्चन मैम, वी आर कीपिंग ऑल ऑप्शंस ओपन. वी शैल बी एबल टू टेल यू इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम. यस, द ऑप्शन ऑफ going back to court is open. The answer is yes, ma'am. What? All right. The Congress Party upping the ante as far as the selection of the pro tem speaker KG Bopaiah is concerned. They're not only talking about how he isn't the senior most MLA who should have been picked up, but also how KG Bopaiah has, quote-unquote, a tainted past. And they're, of course, claiming that the governor has once again behaved in a partisan manner in this entire matter. We'll keep getting you the latest. The fight is heating up as we build up to that floor test at 4 p.m. on Saturday. Time for a very short break. We'll be back in just a bit.